झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 7वें वेतनमान के लंबे भुगतान की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया है। इसका असर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पर पड़ा है। रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सचिन ने अनिश्चितकालीन ओपीडी बंद करने की घोषणा करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव वार्ता में गोल मटोल बात कर रहे थे, जिसके चलते ओपीडी को अनिश्चितकालीन बंद करने का फैसला लेना पड़ा। साढ़े 7 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और काउंटर खुल नहीं रहा, कर हड़ताल में हूँ। हम लोग बहुत परेशान है क्योंकि हम लोग मार्गो मुंडा मधुपुर से आना होता है और सुबह हम लोग यहाँ 3:30 बजे भोर पहुँचे हैं। उसके बाद 7:30 बजे से यहाँ लाइन लगा हुआ, बोलता है कि 8:30 बजे खुलेगा, मगर अभी आने आए थे कि हम बोले थे कि रिपोर्ट दिखवाइए, हाँ तो ये आए हैं दिखाने। तो हम देख रहे थे ओपीडी में कोई बैठे नहीं। देखिए, जब भी जूनियर डॉक्टर तो हमारे बैकबोन होते हैं, वो लोग बैकबोन होते हैं, सारा लेगवर्क तो उनके द्वारा होता है सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में। तो हम लोग प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं और जो फैकल्टीज हैं उनके साथ मिलके हम लोग जहाँ तक संभव होगा आउटडोर को सामान्य रखेंगे, और इसी का प्रयास में अभी हम हैं। अभी राउंड दे रहे हैं और पता कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर